नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध की आर्य धर्म के बारे में सुनने के लिए तैयार हैं। हम सभी लोग भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध की आर्य धर्म के बारे में तथा आर्य महासंघ के बारे में प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा हम प्रसन्न हो गए तो हम लोगों को भी ये जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होने का रास्ता पे आ सकता है। अगर भगवान बुद्ध जन्म नहीं लिया तो संसार में उसी संसार अविद्या से भरा हुआ है। इसलिए भगवान बुद्ध जन्म लेकर के धर्म उपदेश देता है, उसी धर्म उपदेश सुनते सुनते ये संसार के अविद्या अंधकार को समझ सकता है, वो कितना ही बलवान है। ये अविद्या बाहर नहीं रहता है, अपने पास है। तो भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं, वो जो अपने पास अविद्या अंधकार है, वो अविद्या अंधकार को दूर कराने के लिए। इसलिए हम लोग उन भगवान बुद्ध के बारे में सही समझ, सही ज्ञान होनी चाहिए। अवबोध से ही भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग का मन प्रसन्न होना चाहिए। भगवान बुद्ध की धर्म हम सभी लोग समझ गया तो आराम से हमें उन तथागत के ऊपर मन प्रसन्न करवा सकता है। भगवान बुद्ध की शिष्य लोग कौन है ये अच्छी तरह से समझ गया तो भगवान बुद्ध की धर्म क्या है ये भी अच्छी तरह से समझ गया तो हमारे श्रद्धा बाहर किसी को हिला नहीं सकता है। और हम लोग समझना चाहिए ये गौतम भगवान बुद्ध के शासन में ही आर्य सत्य प्राप्त कर सकता है। ये भगवान बुद्ध की जन्म अतिशय दुर्लभ होता है, कितना ही दुर्लभ है। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होने के बाद उनकी धातु नमन करने के लिए जो आए हुए अरहंत लोग बताए थे, बुद्धो हवे कप सते ही दुर्लभ हो, कल्प 100,000 चल गया तब भी भगवान बुद्ध की जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है। अगर हमेशा भगवान बुद्ध संसार में जन्म लेंगे तो दुर्लभ नहीं है, हमेशा नहीं, कभी कभी भगवान बुद्ध की जन्म होता है संसार में। हम लोग तो इस संसार में घूमते घूमते आया, अभी तक घूमते घूमते आ रहा है, हमें कभी भी पता नहीं कब हम लोग के संसार शुरुआत किए हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं। कई बार हम लोग नरक में गए हैं, जानवर बन चुके हैं, भूत प्रेत बन चुके हैं, देवता बन चुके, मानव बन चुके, मरते मरते फिर भी उस जगह पे जाते जाते रहना पड़ता है, किसी को याद नहीं। बहुत समय बाद देवताओं के पास जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम रहते हैं नरक में। ये मनुष्य लोक में भगवान बुद्ध की जन्म इसलिए होता है कि देव मानव पूरे प्राणी को, सारे सत्व को सुख शांति को दिलाने के लिए। ऐसा भगवान बुद्ध जन्म लेकर के सुख शांति दिला के परिनिर्वाण भी हो गया, लेकिन हम लोग अभी तक भगवान बुद्ध की धर्म को अवबोध नहीं किए, अभी तक संसार में जा रहे हैं। इस जन्म में हम लोग अपने लिए कुछ कर लिया तो कुछ बच सकता है। अगर हम लोग इस जन्म में भी अपने लिए बिना कुछ करके सिर्फ प्रार्थना करते करते रह गया तो
आशा करते करते रह गया तो हम लोगों को ये मौका भी छूट जाता है। तो आज आप लोग एक सुंदर उपदेश सुनेंगे। ये सुंदर उपदेश का नाम है लखन सूत्र। क्या नाम? लखन सूत्र। ये सुंदर सूत्र उपदेश है दीर्घ निकाय में। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। भगवान बुद्ध बनते लोगों को बताया, द्वत्तिन सिमानि बिखवे महापुरुषस्य महापुरुष लखनानि ये ही समन्नागतस्य महापुरुषस्य देवगतियो भवन्ति अनन्या। महापुरुष है, उत्तम महापुरुष लोगों के पास 32 कारण दिखाई देता है शरीर में। महापुरुष लक्षण, ये 32 कारण जिनके पास हैं उनको दो गति है, दो जन्म है, दो प्राप्त है और कुछ नहीं है। सचे अगारंग अज्ञावस्ति, अगर वो गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो राजा होती चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा बन जाता है। धम्मिको धम्म राजा, धार्मिक से धार्मिक होते हुए राज्य पालता है। चतुरांतो विजितावि, चार महासागर में जीत के राज्य करता है। जनपदाथाचर्य पत्तो, इसका मतलब हर एक जनपद में आचार्य हो जाता है, गुरु हो जाता है। ऐसे हैं तो सारे लोग किससे उपदेश लेते हैं? कोई ऋषि मुनि से नहीं, चक्रवर्ती राजा से। सत्तरत्न समन्नागतो, ये चक्रवर्ती राजा के पास हैं 7 रत्न। वो क्या है? चक्र रत्न है, हाथी रत्न, आसमान से जाने वाले उजला हस्ती है। अश्व रत्न, आजाने अश्व है, बहुत सुंदर आसमान से जाने वाले घोड़ा है। मणि रत्न, एक मणि है। इथि रत्न, एक स्त्री मिल जाता है। गहपति रत्न, गृहपति लोक मिल जाता है। परिनायक रत्न, पुत्र मिल जाता है उतना ही बलवान। तस्सीमानी सत रत्नानि भवन्ति, ये 7 रत्न लेकर के 32 कारण के साथ गृहस्थ जीवन में ये महापुरुष बिताते हैं जीवन। चक्र रत्न मतलब चक्र कहता है चक्का को। ऐसे है तो घूमने वाले एक मन मिल जाता है। चक्रवर्ती राजा हर पूर्णिमा के दिन उपोषित लेता है। उपोषित लेकर के अपना महल के ऊपर तल्ला में चढ़ के पूर्णिमा के दिन दृढ़ संकल्प लेने के बाद आसमान से चक्ररत्न प्राप्त होता है। ये चक्ररत्न प्राप्त होने के बाद चक्रवर्ती राजा सोने का लेकर के, सोने का पानी डालने वाला लेकर के, सोने का जग लेकर के उस घूमने वाला मानी पर पानी गिराता है। ऐसे होने के बाद वो मानी घूमते घूमते जाता है। इसके बाद हाथी, घोड़ा और रथ और सेना, ये सब कुछ चक्र मणि चक्र घूमते घूमते आगे जाने से पीछे पीछे आ जाता है। एक देश में जाने के बाद पूरा देश के लोग स्वागत करता है, चक्रवर्ती राजा आ गया है। स्वागत करके बोलता है, हे महान राजा, हे उत्तम महापुरुष, हमें अनुशासन कीजिए, हमारे
राजा आप हैं, हमारे गुरु भी आप हैं। इसके बाद राजा बोलते हैं, आप लोग सीलवान होना चाहिए, डांटा उजार सब छोड़ना चाहिए। ऐसे करके उपदेश देता है हर एक देश में जा करके। हाथी रत्नांग मतलब आसमान से जाने वाले उज्जल रंग का एक हाथी मिल जाता है। असरतनम मतलब एक घोड़ा मिल जाता है, वो भी आसमान से जा सकता है, बहुत स्पीड जा सकता है। मणिरत्नम मतलब बहुत किलोमीटर तक प्रकाश दिलाने वाले एक बहुत बड़ा मणि मिल जाता है। इथि रत्नम मतलब पंच कल्याण से युक्त बहुत सुंदर गुणवान स्त्री मिल जाता है। गहापति रत्नम मतलब अच्छा से उपदेश देने वाले एक गृहपति मिल जाता है। परिनायक रत्नमेव सत्यवान, परिनायक रत्न मतलब एक बेटा मिलता है, ये बेटा को अपना राज्य आराम से ले जा सकता है, वैसा मजबूत बुद्धिमान ताकतवर एक बेटा मिल जाता है। इससे अलावा हजारों बच्चे मिल जाते हैं पूरे धरती को संभालने के लिए, ये चक्रवर्ती राजा को। सो इमंग पठवीं सागर पर्यांतंग अदंडेन असत्येन धम्मेन समेन अभिविज्य अज्ञावसति। ये चक्रवर्ती राजा का सीमा है महासागर। महासागर सीमा बना के ये धरती का मुखिया बन के बिना डांटा उजार लेकर के धार्मिक से सीलवान होते हुए पूरे धरती को पालता है, पोसते हैं। मानव को गृहस्थ जीवन बिताने वाले मानव को मिलने वाली सबसे ऊंचा जगह है ये चक्रवर्ती राजा का जगह। भगवान बुद्ध ने बताया अगर जो कोई सोतापन हो जाएगा तो, भगवान बुद्ध की धर्म समझ गया तो, चक्रवर्ती राजा होने से भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर चक्रवर्ती राजा राज्य करने के बाद वो दिव्य लोक चल जाएगा, दिव्य लोक में रहते हुए पुण्य खत्म हो जाएगा, इसके बाद नरक में जा सकता है, जानवर जन्म पा सकता है, भूत प्रेत बन सकता है, खतरा है। ये खतरा इस जीवन में जो भगवान बुद्ध धर्म को प्राप्त करता है, सोतापन होता है, उन्हीं को ये खतरा नहीं है। वे मरने के बाद देवलोक में जाएंगे, लेकिन देवलोक का उम्र खत्म होने पर शायद ब्रह्मलोक में जा सकता है, शायद मुक्ति प्राप्त कर सकता है। चार अपाय में दुर्गति में कभी नहीं जाते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध की धर्म को प्राप्त करना, अवबोध करना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध जन्म लेकर के ये सारे मानव को बताता है। उन्होंने बताया सचे खोपन अगारस्मा अनगार्यं पब्बज। अगर वो 32 गुण के साथ रहने वाले महापुरुष गृहस्थ जीवन छोड़ के प्रवर्जित हो गया तो, यानि कि चीवर पहन लिया तो, अरहं होति सम्मा संबुद्धो लोके विवत्तच्छेदो। इस दुनिया में अरहं सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध बन जाता है, सारी गंदगी को नष्ट करता है। इसी सूत्र उपदेश में उन्होंने बताया महापुरुष लक्षण। पहला है इद बिक्के महापुरुषो सुपतिष्ठित पादो होती। सुपतिष्ठित पाद मतलब अपना थलवा के बारे में, बाद में एक एक करके विस्तार हो जाएगा। दूसरी है महापुरुषस्य हेठा पाद तलेषु
चक्कानि जातानि होंति सहस्राणि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बाकार परिपूरानि। हर प्रकार से परिपूर्ण हजार चक्का चक्र वाले चक्का तलवा में है। महापुरुषो आयत पन्नी होती लंबी एंडी है, दीर्घ अंगुली है, लंबी अंगुली है, एक अंगुली दूसरे अंगुली से समान नहीं है मगर लंबी है। मुदु तालु न हाथ पादो एकदम मुलायम हाथ पैर है, जाल हाथ पादो जाल हाथ पैर है, जाल जैसा मतलब अच्छा से अपना मर्जी से लेकर के रख सकता है, कोई दर्द नहीं है, झुका सकता है, फ्लेक्सिबल। उस शंख पादो उंच मजबूत पैर होता है, एन जंगो जंग मजबूत होता है, जैसे कि उस समय एनी नाम का एक हिरण था भारत में, बहुत मजबूत, ऊपर से कूद गया तब कुछ नहीं होता है, उतना ही जैसा मजबूत जंग है। ठितको अनोम मंतु उभो ही पानी तले ही जन्नु कानी परिमसति परिमज्जति। भगवान बुद्ध को खड़ा होके बिना झुके हुए घुटनिया छू सकता है। कोसोहित वत्थ गुई हो उनका पुरुष कारण अंदर घुसा हुआ जैसा दिखता है। सुवर्ण वर्णो होती कांचन सन्निभत्तचो उनका शरीर का चमड़ी सोने का रंग का है। सुखम छवि होती सुखमत्ता छविया रजोजल्लंकायन उपलिप्पति उनका चमड़ी इतना मुलायम है कि डस्ट नहीं रहता है चमड़ी में, इतना ही मुलायम है, चमकीला है। एक एक लोम होती एक एकानि लोमानि लोम कूपे सुजातानि एक जगह पे सिर्फ एक लोम है। हम लोग तो जहाता है ना, वैसा भगवान बुद्ध के नहीं है। भगवान बुद्ध को एक जगह पे सिर्फ एक लोम है, ये भी महापुरुष कारण है। आपको याद है भगवान बुद्ध देखने के लिए असित ऋषि जी महल में आ गए हैं, उस समय असित ऋषि जी बच्चा को इधर उधर करके यही 32 कारण को देखे हैं, देखे नमन किए। उद्धग लोमो होती उद्धग्गानि लोमानि जातानि नीलानि अंजन वन्नानि कुंडलावत्तानि पदाखीनावत्तक जातानि। ऐसे हैं तो ये लोम ऊपर गुमा हुआ है, ऊपर होते हुए दक्षिण तरफ से गुम गया है, गोल हो गया है हर एक लोम भगवान बुद्ध के शरीर में, तथा गहरी नील रंग का है। ब्रह्म जुगतो होती महाब्रह्म जी के समान सीधा शरीर है। इसके बाद सत्तुसदो होती सात जगह में मांस ज्यादा होता है शरीर में, बाद में आपको विस्तार मिल जाएगा। सिंह पुबद्ध कायो होती छाती शेर का सामने जैसा भरा हुआ है, तेज अभिमान है, कोई डर नहीं, निर्भय है। चित्तांतरंशो होती इसका मतलब पीठ में अच्छा से मांस है, सुंदर से। निग्रोध परिमंडलो होती याव तक्वस कायो ताव तक्वस व्यामो याव तक्वस व्यामो ताव तक्वस कायो उनका निग्रोध परिमंडल होता है, इसका मतलब जैसा उतना है, जैसा ऊंचा है उतना ही मोटा है, जैसा मोटा है उतना ऊंचा है। ज्ञादम भगवान मोटे नहीं है, हम लोग को मूर्ति देखने के बाद थोड़ा मोटा दिखता है, वैसा नहीं है। समवत्ता खंडो होती उनका गला सुंदर है, बराबर है, रसग्ञ सज्ञी होती
जो कुछ भोजन करता है वो सब पचने वाले नश उनके पास है। सिंह हानु होती, शेर के जैसा मुंह है, मुंह मतलब जबड़ा होता है, मजबूत जबड़ा होता है शेर का जैसा। इसीलिए कभी कभी भगवान बुद्ध प्रवचन देता है 4-5 घंटा, कभी कभी 6-7 घंटा, कभी कभी रात भर, कोई थकावट नहीं है। हम लोग तो प्रवचन देते समय आराम करना पड़ता है, पानी पीते पीते प्रवचन करना पड़ता है, आवाज़ बदल जाता है, ऐसा नहीं भगवान बुद्ध को। 44 दंत होती, उनके पास 40 दांत होता है, ऊपर 20 नीचे 20, समदांत होती, वो दांत ठेढ़ा नहीं है, बराबर है, समान है। अविरल दांत होती, दांत के बीच में छेद नहीं है। सुसुक्त दाठो होती, बहुत ही उजला चमकीला दांत है। पहुत जीव हो होती, उनके जीव बहुत बड़ा है। ब्रह्मस्वर होती, करवीक बहानी, करवीक चिड़िया के जैसा बहुत सुंदर आवाज है, उसी आवाज में ब्रह्मस्वर है। इसीलिए तो भगवान प्रवचन देता है ना, प्रवचन देते समय वो प्रवचन सुनने वाले लोगों को मन इधर उधर जाते नहीं है, क्योंकि उतना ही सुंदर आवाज उनका मुंह से निकल जाता है। प्रवचन खत्म होते हुए सभी लोग ज्ञान प्राप्त करता है, क्यों? सभी लोग का मन एकाग्र होता है। अभिनील नित्य होती, इसका मतलब गहरी नील रंग का दो गो नेत्र है। गोप कुमो होती, छोटा बछड़ा का जैसा, गाय का छोटा बच्चा है ना, वैसा आंख बहुत सुंदर है, बड़ा है, छोटा आंख नहीं, इसीलिए उनके पास इतना सुंदर आंख है ना, इसीलिए सभी लोग बिना रुके ही उनको देखते रहता है। उन्ना भमुकांतरे जाता होती, ओ दाता मुदतुल सन्निभा, इसका मतलब दो भाव के बीच में ऊर्ण रोम है, उजला रुआ जैसा, दक्षिण तरफ से घुमा हुआ उजला रंग का बाल है। उन्हीं से शीशो होती, उनका सिर थोड़ा ऊंचा है, यही है 32 कारण। अभी हम लोग की 32 कारण थोड़ा विस्तार करके सीखेंगे। अभी हम लोगों के पास श्रद्धा है तो भगवान बुद्ध के गुण के बारे में हम लोग कभी भी हम लोग का जीवन बर्बाद नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन बहुत सुंदर है, उनको हर एक बीमार को स्वस्थ कर सकता था, उनका शरीर इतना ही स्वस्थ है। पहला है सुपतिष्ठित पाद, भगवान बुद्ध ने बताया, यांपि भिक्खवे तथागतो पुरिमं जातिं पुरिमं भवं पुरिमं निकेतं पुब्बे मनुष्य भूतो। पुराने संसार में रहते हुए समय में उन्होंने क्या किया, निरंतर शरीर से सुचरित हो गया, वाणी से सुचरित हो गया, मन से सुचरित हो गया, ये 3 चीजें सुचरित हो गया, यानी कि शरीर से अच्छा काम किया है, वाणी से अच्छा बात बोला है, मन से अच्छा विचार किया है। दान समविभागे, दान दे दिया, सील समाधानी, सील सुरक्षा किया, उपोषत उपवासे उपोषत रक्षा किया, मत्थेयताय अपना माँ को सेवा किया, पेत्तेयताय पिताजी को सेवा किया, सामान्यताय श्रमण लोगों को भंते लोगों को सेवा किया, कुल जेठा पचायताय अपना घर के बड़े बूढ़े लोगों को सेवा किया, कई प्रकार की पुण्य किया है। ऐसे पुण्य करके मरने के बाद देवलोक में जन्म ले करके दिव्य उम्र, दिव्य सुंदर, दिव्य यश, दिव्य सुख, दिव्य आधिपत्य,
दिव्य रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये सब कुछ से उत्तम हो गया। देखिए मनुष्य लोक में आने के बाद इमं महापुरुष लक्षणं पटिलभति सुपतिष्ठित पादो होती। मनुष्य लोक में आने के बाद ये महापुरुष कारण मिल जाता है, वो क्या है? सुपतिष्ठित पाद। उसमें भगवान बुद्ध बताए समम पादम भूमि निक्षिपति, ये पैर एकदम समान धरती पे रख सकता है। हम लोगों को पैर पूरा पैर नहीं रखता है, क्यों? पैर का दाएं पैर का बाएं तरफ थोड़ा झुका हुआ है, बाएं पैर का दाएं तरफ थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए पूरा पैर नहीं रख सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध के ऐसा नहीं, समतल है। तथा हम लोग पैर जमीन में रखते समय सबसे पहले घुटने रखता है या अंगुली रखता है, भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, पैर बराबर रखता है। समंग सब्बावंते ही पाद तले ही भूमि पुसति, संपूर्ण चरण पूरा धरती पे सट जाता लग जाता है। इसका मतलब उनका पैर ठेढ़ा नहीं, एकदम बराबर समतल। ऐसे होने के बाद क्या मिलता है? बुद्धो समानो किंग लभति, संबुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद उनको क्या मिलता है? कोई भी दुश्मन, कोई भी चोर, श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्म, मानव, किसी को भगवान बुद्ध को कष्ट नहीं दे सकता है, भगवान बुद्ध को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता। कभी भी भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध की मन में राग उत्पन्न नहीं करवा सकता है, क्रोध नहीं दिला सकता है, मोह नहीं दिला सकता है, फंसा नहीं सकता। देखिए उसी प्रकार पुण्य करने से सुपतिष्ठित पाद मिल गया। सुपतिष्ठित पाद मिलने के बाद ऐसा गुण मिल गया। इसके बाद चक्र लक्षण, पैर का चक्र लक्षण क्या है? हेठा पाद तले सु चक्का निजाता निहंती सहस्राणि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बाकार परिपूराणि सुविभत्तरंतराणि। अच्छी तरह से अलग अलग होते हुए हजारों चक्का वाले मिहिन घुमाया वाले राउंड गोल गोल चक्का उनके चरण में है, तलवार में। गोल गोल चक्का, घुमा हुआ चक्का उनके तलवा में है हजारों। ये मिलने के लिए उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया? बहुजनस्य सुखावहा होती, बहुत सारे लोगों को सुख दे दिया। वो कैसे? किसी को भय डर आ गया तो, शोक आ गया तो, चिंता परेशान आ गया तो वो चीज से बचाया। रखा वर्ण गुत्त संविधाता, आदमी लोगों को रक्षा किया, कष्ट आते समय मदद किया। सपरिवारंच दानं अदासी, पूरा परिवार के साथ दान दे दिया, अकेले नहीं, दान देते समय सभी लोग मिलके दान दे दिया, और लोग अपना पुण्य में ले लिया। ये पुण्य करने से थलवा में हजारों छक्का मिल जाता है गोल गोल। ऐसे मिलने के बाद क्या मिलता है? महापरिवारो होती महासहंती परिवार, बिकु बिकु निया उपासक उपासिका, देवा मनुष्य असुरा नागा गंधब्बा। बहुत परिवार मिल जाता है। कौन सा परिवार? भिक्षु परिवार, भिक्षुनी परिवार, उपासक परिवार, उपासिका परिवार, दिव्य परिवार, मतलब देवता भी शिष्य बन जाते हैं, मानव मिल जाते, मानव परिवार मतलब मानव भी उनके शिष्य बन जाते हैं, असुर भी उनके शिष्य बन जाते हैं, नाग भी उनके शिष्य बन जाते हैं, गांधर्व लोग भी उनके शिष्य बन जाते हैं, राक्षस लोग भी उनके शिष्य बन जाते हैं, बहुत परिवार मिल जाता है। ऐसे हैं तो भगवान बुद्ध के पास
असुर लोग भी थे। असुर मतलब धार्मिक असुर, धार्मिक राक्षस लोग। दिव्य नाग भी थे, धार्मिक दिव्य नाग। आपको याद होंगे सुनामी आ गया है इंडिया में, दक्षिण साइड में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, बहुत देशों में आ गया है। उसमें समुद्र किनारे किनारे जो कुछ बिल्डिंग था, सीमेंट से बहुत मजबूती से बनाया हुआ बिल्डिंग, सब ले गया। रेल का पटरी एकदम कागज में लती जैसा उखाड़ के ले गया, सब कुछ टूट गया, मंदिर टूट गया। फिर भी भगवान बुद्ध की मिट्टी से बनाया हुआ मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। अच्छे से आप खोजिए, समुद्र किनारे भगवान बुद्ध की मूर्ति था, लेकिन उस एक भी मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ। आश्चर्य की बात थी। शायद समुद्र में रहने वाले असुर लोग सुरक्षा किया होगा। हर एक देश में ऐसे हुआ है, सारे बाकी सारे मंदिर टूट के ले गया, लेकिन एक भी भगवान बुद्ध की मूर्ति टूटा नहीं। आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध को ही बहुत बड़ा परिवार मिल गया है। वो परिवार किसी को हिला नहीं सकता। वो परिवार में क्या है? भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, देवता, ब्रह्म, मानव, असुर, राक्षस, नाग, गांधर्व इत्यादि। इसके बाद भगवान बुद्ध को तीन महापुरुष लक्षण मिल गया। ये पुण्य करने के बाद मनुष्य भूत समान, मनुष्य जीवन बिताते समय पानातिपातम पहाय, प्राणियों को हत्या करने से दूर हो गया। पानातिपाता पटिविरतो होती, प्राणियों को हत्या करना त्याग कर दिया। कभी प्राणियों को हत्या नहीं किया, निहित दंडो, दूसरों को मारने के लिए डांटा नहीं लिया, निहित सत्तो, जानवरों को मारने के लिए औजार नहीं लिया, लज्जी, दूसरों को मारने काटने में शर्म हो गया, दयापन्नो, सभी लोगों को दया किया। सब पान भूत हितानुकंपी विहासी, सारे प्राणी सारे लोगों पर दया मन से रह गए। ऐसा होने के बाद तीन महापुरुष लक्षण मिल जाता है। इमानी तीन महापुरुष लक्षणानि पटिलभति, तीन मिल जाता है। वो क्या है? आयत पन ही च होती, लंबी एड मिल जाता है, दीग अंगुली, लंबी अंगुली मिल जाता है, ब्रह्म जुगत्तो, सीधा शरीर, ऋजु शरीर मिल जाता है, महाब्रह्म जी के समान। भगवान बुद्ध की एक चरण है विष्णुपाद में, लोग कहता है विष्णु जी का है, वहां एक भगवान बुद्ध की चरण है। वो विष्णु जी का जैसा भी माना जाता है, वो चरण में एक लक्षण है। ये जो चरण का लक्षण आपको विष्णुपाद में गया तो कभी देख सकता है, हम लोग कभी कभी जाके नमन करते हैं। ये सुंदर कारण उसी थलवा की चिन्ह पे चरण में दिखाई देता है। ऐसा महापुरुष लक्षण मिलने के लिए उन्होंने क्या किया? उनको मिला लंबी एड़ी, लंबी अंगुली, ब्रह्म जी के समान सीधा शरीर, ऐसा मिलने के लिए उन्होंने प्राणियों को हत्या करना छोड़ दिया। आप भी प्राणियों को हत्या करना छोड़ दीजिए, आपको भी ये सब मिल जाएगा। ये मिलने के बाद उनको क्या प्राप्त होता है? भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त होता है? दीर्घाय को होती, लंबी उम्र मिल जाती है, चिरठिति को, बहुत समय तक जीवन बिताते हैं, दीर्घमायु मपालेती, दीर्घ समय तक रहते हैं। नसक्का होती अंतरा जीविका वो रोपेतु पश्चात के ही पश्चामिते ही, किसी को अपना जीवन खत्म होने तक, उम्र खत्म होने तक किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है, ना कोई देवता, ना कोई ब्रह्म, ना कोई मार, ना कोई श्रम, ना कोई ब्रह्म, ना कोई मानव, ना कोई असुर, किसी कोई भी आ गया तो आ गया, तब भी भगवान बुद्ध को हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसे हेतु उनका जीवन चिरठिटिको,
किसी को खतरा नहीं पहुंचा सकता है। आयत पानी दी गंगुली ब्रह्म जुगत लंबी एड़ी लंबी अंगुली तथा ब्रह्म जी का समान सीधा शरीर मिल जाता है ऐसा होने के बाद। इसके बाद है छठा, सात जगह पे उनकी मांस ऊंचा है। दाता अहोसी पनीतानं रसितानं खादनीयानं भोजनीयानं सायनीयानं लेहनीयानं पानानं। उनका शरीर उन्होंने जन्म जन्म में पिछले जन्म जन्मों में खान पान रहन सहन दूसरों को दे दिया, अच्छा अच्छा से दे दिया, मधुर खान पान रहन सहन दे दिया। इसके कारण उनको मिला सत्तुस्सदु, इसका मतलब सात जगह पे उनका मांस ऊंचा है। उभोसु हत्तेसु उसदा होती, हाथ पे मांस ज्यादा है, पैर पे दोनों पैर पे मांस ज्यादा है और दो बांह में पैर दो बांह में मांस ज्यादा है, कंधे पे मांस ज्यादा है। मांस ज्यादा है मतलब थोड़ा ऊंच जैसा दिखाई देता है मांस। ऐसे होने के बाद क्या मिलता है? बुद्धो समानो किंग लभति, क्या मिलता है भगवान को? लाभी होती पनीतानंग रसितानंग खादनीयानं भोदनीयानं सायनीयानं लेहनीयानं पानानं। जो कुछ मिल जाता है वो सब एकदम रस स्वाद अच्छा अच्छा चीज मिल जाता है। रहने का जगह मिला तो अच्छा जगह मिल जाता है, जो कुछ मिल जाता है सब अच्छा चीज ही मिल जाता है। देखिए अच्छा चीज दे दिया तो अच्छा चीज प्राप्त होता है। इसके बाद सातवां और आठवां दो गो महापुरुष लक्षण प्राप्त हो गया। उनके पास मुलायम हाथ पैर है तथा जाली जैसा हाथ पैर। उन्होंने पिछले जन्म जन्म में क्या किया? चार कारण से सारे मानव को सेवा किया। चार कारण क्या है? पहला दान से, दूसरा प्रिय वचन से, तीसरा अर्थ आचरण से, चौथा समानता से। दान मतलब उन्होंने दान दे करके दूसरों को संग्रह सेवा किया। दूसरों के साथ कठोर गारी बात कभी नहीं किया, प्यार से मीठा बात बोल के दूसरों के साथ बात किया, मन प्रसन्न होने वाली बात किया तथा उनका जीवन सुंदर से बिताया तथा दूसरों को आगे बढ़ने के लिए धन संपत्ति दे दिया। इसके बाद सभी लोगों को समान सेवा किया, एक को ज्यादा एक को थोड़ा ऐसा नहीं, सभी लोग बराबर सोचे हैं। ऐसे होने के बाद उनको ये मिल जाता है मुलायम हाथ पैर तथा जाल जैसा हाथ पैर। जाल जैसा मतलब नम्य, उनको ये पैर किसी भी तरफ झुका सकता है, मुश्किल नहीं है, इसी को जाल हाथ पैर कहता है। ऐसे ये दोनों मिलने के बाद क्या मिलता है? उनको सेवा करने वाले बहुत परिवार मिल जाता है। क्या कौन सा परिवार मिल जाता है? उनको सेवा करने वाले भिक्षु भिक्षुनी उपास उपासिका, ये सभी लोगों से सेवा मिल जाता है। इसके बाद नौ और दस दो गो मिल गया, उनका बाल शरीर का रोम ऊपर घूम गया, दक्षिण साइड से घूम के ऊपर हो गया तथा उनका शरीर में पैर मजबूत है। ऐसे होने के लिए उन्होंने जन्म जन्म में क्या किया? बहुत सारे लोगों को अर्थ सहित धार्मिक अच्छा बात बताया। अब देखिए भगवान बुद्ध बनने वाले लोग क्या करना चाहिए? मंत्र पढ़ के रहते हैं गया तो भगवान बुद्ध नहीं बन पाएगा। वेजिटेरियन सिर्फ वेजिटेरियन हो गया तो, सिर्फ शाकाहारी हो गया तो
भगवान बुद्ध नहीं बन पाएगा। ये देखिए भगवान बुद्ध बनने का कारण क्या है, अच्छे से आपको अभी समझ में आता है। यही करना चाहिए अगर भगवान बुद्ध बनना चाहे तो, हम तो नहीं बनेंगे क्योंकि मुश्किल है। भगवान बुद्ध ने क्या किया, दूसरों को अच्छा से बात किया है, ज्ञान की बात किया, हमेशा आलतू फालतू बात कभी नहीं किया, दूसरों का कल्याण के लिए बात किया है। ऐसा होने के बाद उनको दो गो महापुरुष कारण मिल जाता है। पहला है ऊपर होते हुए दक्षिण साइड में घुमा हुआ बाल मिल जाता है पूरा शरीर में नील रंग का, तथा उनका पैर बहुत मजबूत है। ऐसा मिलने के बाद उनको क्या मिलता है, भगवान बुद्ध सारे देव मानव में श्रेष्ठ होता है, अग्र होता है, मुख्य होता है, सबसे उत्तम हो जाता है, सबसे पावर हो जाता है, सबसे अग्र हो जाता है। ऐसा होने के बाद दूसरों से हमेशा ज्ञान से व्यर्थ बात नहीं बोल के प्यार से बात करने के कारण ये दोनों महापुरुष लक्षण मिला। दो गो महापुरुष लक्षण मिलने के कारण सारे देवमानों में से श्रेष्ठ हो गया। ग्यारहवां है जंग मिल गया मजबूत हिरण का जैसा। ऐसे होने का कारण उन्होंने जन्म जन्म में सक्कच्चं वाचेता अहोसि सिप्पं वा विज्जं वा चरणञ्जु वा कम्मं वा। जो कोई शिल्प शास्त्र पढ़ाई दूसरों को देते समय सक्कच्चं वाचेता अच्छा से पढ़ाया, जो कुछ अपने पास ज्ञान है वो सब कुछ अच्छा से दूसरों को दे दिया। कैसे दे दिया, ये जो मेरा बात जो सुनता है सीखता है वो लोगों को तकलीफ नहीं आना चाहिए, अच्छा से समझ में आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इन लोग सब जल्दी जल्दी मेरा सारे ज्ञान सीखना चाहिए। ऐसे करके ये सभी लोग मैं जो सिखाता वो सब कुछ सीख गया तो मुझसे भी ज्ञान अच्छा सीख गया तो कितना अच्छा है, ऐसा सोच के दूसरों को पढ़ाया। शिल्प शास्त्र सारे जो कुछ जान गया वो सब कुछ दूसरों को अच्छी तरह से सिखाया, कोई गड़बड़ नहीं। आजकल देखिए कोई टीचर कोई डॉक्टर कोई हो गया तो कोई भी कंप्यूटर सिखाने वाला कोई भी बहुत सारे लोग हैं सब कुछ नहीं सिखाता है, अपना पास रखता है, रख के थोड़ा देता है। लेकिन भगवान बुद्ध जन्म जन्म ऐसा नहीं किए, जितना जानकारी उतना ही दे दिया और आशा किया कि मुझसे भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए सभी लोग। ऐसा होते हुए दूसरों को शिक्षा देने के कारण उनको मिला एन जंग हिरण। भारत में उस समय हिरण था एनी नाम का, उसी हिरण का जैसा जंग मिल गया उनको। जंग हड्डी बहुत मजबूत है। बुद्धो समानो किंदबति, भगवान बुद्ध होने के बाद क्या मिलता है, जो भगवान बुद्ध को जरूरी है वो सब कुछ मिल जाता है। अगर आपका जीवन जन्म जन्म में आपको भी जो कुछ जरूरी है तो सब कुछ मिल जाएगा। आप भी पढ़ाते समय अच्छी तरह पढ़ाइए, समझाते समय अच्छी तरह समझाइए, इन लोग हमसे भी ज्यादा समझ में आना कितना अच्छा आया है ऐसे सोच के। इसके बाद बारह कारण, भगवान बुद्ध इस संसार में उनके पास एक आशा था, एक इच्छा था, वो इच्छा कभी शांत नहीं हुआ, हमेशा उनका मन में वो इच्छा था। वो क्या है, सीखने का, धर्म सीखने का। किंग बनते कुशलंग किंग अकुशलंग किंग सावाज्यंग किंग अनवाज्यंग किंग सेवितब्बंग किंग न सेवितब्बंग किम में खरीयमाना दीघरतंग अहिताय दुखाय अस खंग वापन में खरीयमानु दीघरतंग हिताय सुखाय असति। जा करके उन्होंने पूछा भंते लोगों से, विद्वान लोगों के पास जाकर पूछा, कुशल क्या है, पुण्य क्या है।
अकुशल क्या है, यानी कि पाप क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, और क्या करना चाहिए, क्या न करना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने के बाद बहुत समय तक दुख मिलना पड़, दुख भोगना पड़ेगा, क्या करने से बहुत समय तक सुख मिल जाता है। ऐसा करके ज्ञान हमेशा दूसरों से पूछ पूछ करके ज्ञान सुनने का एक प्यास आता उनको। उसके फल से उन्होंने देव जन्म पा करके वापस मनुष्य लोक में आने के बाद उनको मिला सुखुमा छवि होती सुखुमाता छविया रजोजलंकायन उपलिप्पति। उनको मिला एकदम मुलायम चमड़ी। कितना मुलायम है, शरीर में डस्ट आ गया तब भी शरीर में लगता नहीं है डस्ट, इतना ही मुलायम। थोड़ा सा इधर उधर हिलने के बाद डस्ट था, सब डस्ट गिर जाता है। हम लोग को तो पूरा शरीर में डस्ट सट जाता है ना, उनका ऐसा नहीं, इतना ही मुलायम चमकीला स्किन मिल गया, चमड़ी मिल गया। ऐसा होने के बाद बुद्धो समानु किंग लभति, भगवान बुद्ध होने के बाद क्या मिलता है, महापाण्यो, बहुत गहरी प्रज्ञा मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। पुथु पाण्यो, उनका ये प्रज्ञा बहुत फैला हुआ है, छोटा मोटा मोटा प्रज्ञा नहीं। हास पाण्यो, प्रीति उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा है। जौन पाण्यो, बहुत तेज ज्ञान उनको मिल जाता है। तिक्ख पाण्यो, उनको मिल जाता है एकदम तीव्र, तीव्र मतलब बहुत मिहीन ज्ञान मिल जाता है। निभेदिक पाण्यो, उनको ऐसा प्रज्ञा मिलता है, उसी प्रज्ञा के अनुसार उन्होंने कभी किसी से सटता नहीं है, आसक्त नहीं होता है, अनासक्त प्रज्ञा मिल जाता है। देखिए, मुलायम चमड़ी मिलने के बाद ऐसा होता है। मुलायम चमड़ी मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा धर्म सीखने का इच्छा होना चाहिए तथा धर्म सीखना चाहिए। इसके बाद उनके पास है सोने का रंग शरीर। उन्होंने पिछले जन्म जन्मों में कभी क्रोध नहीं किए हैं, अनुपायास बहुलो, गुस्सा कभी नहीं किए। बहु प्युत्तो समानो नाभिसज्जे, बहुत सारे डांट सुन लिया तब भी गुस्सा क्रोध नहीं किया, न व्यापाज्जे, उनका मन में व्यापाद कभी आया ही नहीं। न कोपांच दोषांच अपच्यांच पात्वा काशी, गुस्सा क्रोध दुष्टता दुश्मनी ये कुछ भी अपना शरीर तथा मन तथा वाणी से कभी नहीं किया। उन्होंने जीवन में शरीर मन वाणी से किसी को कोई गुस्सा क्रोध होने का कुछ नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया। इसके कारण उनको क्या मिल गया, सुवर्ण वर्णो होती कंचन सन्निभत्तवो, उनको मिला एक चमड़ी पूरा शरीर का स्वर्ण रंग का है, सोने का रंग का है, बहुत प्यारा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। ऐसा चमड़ी उनको मिला जन्म जन्म में क्रोध नहीं करने के कारण। ऐसे तो क्रोध करने वाले लोग ही कुरूप हो जाते हैं। हम लोग कभी भी मैत्री ध्यान करेंगे तो सुंदर हो सकता है। ऐसा सोने का रंग चमड़ी मिलने के बाद क्या मिलता है उनको, कभी भी उनको जीवन में दुख नहीं मिला, उनको हमेशा मिल गया है सुख। मुलायम मुलायम चीज मिल गया है, अच्छा अच्छा चीज हमेशा मिल गया है, सोने का रंग का शरीर मिलने के कारण। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया पिछले जन्म जन्म में उन्होंने क्या किया, अलग विदा हुए लोग मिला दिया। कोई कोई लोग अपना माँ से अलग होना होता है, शायद भुला जाता है, भूल जाता है, वो सभी लोग मिला देता है। मामी लोग बच्चा लोग से मिलाता है,
भाई बहन से मिलाता है, बहन भाई से मिलाता है, पति पत्नी से मिलाता है, पत्नी पति से मिलाता है, और दोस्त दोस्त से मिलाता है। ऐसा जन्म जन्म में जो कोई अलग हो गया वे लोग मिला दिया है। कभी आजकल तो सभी लोग जो प्यारी मन से एकता बना के रहते हैं उन लोग अलग करवाते हैं। भगवान बुद्ध के समय में ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध ऐसा नहीं किए। भगवान बुद्ध क्या किए, अलग हुए लोग एक एक अट्टा किया, मिला दिया। इसका फल से उनको मिला कोसो हितवत्थ गुई हो होती। कुछ किसी सामान के अंदर रहने वाले प्रकार से उनका पुरस्कार मिल गया है। उसका फल से क्या मिलता है, बुद्धो समानो किंग लभति, बहुत पुत्तो होती, अनेक सहस्रं खोपनस्य पुत्ता भवन्ति, सूरा वीरंग रूपा परसेन अपमादना। उनको ऐसा शिष्य मिल जाता है बहुत तेज, बहुत वीर्यवान, मिथ्या विश्वास को नष्ट करने वाले मजबूत शिष्य लोग मिल जाता है। देखिए भगवान बुद्ध के समय में अरहंत सारिपुत्त बनते जी, अरहंत महाकाश्यप बनते जी, अरहंत महामोग्गलन बनते जी इत्यादि। उनके शिष्य लोग के पास जितना गुण था वो गुण देख देख कर के महाब्रह्म जी देवता सभी लोग उन लोग को नमन किए थे। पूरे ब्रह्मांड कंट्रोल करने का शक्ति उन लोग के पास थे। ऐसा शिष्य मिल जाता है। इसके बाद 15 और 16वां कारण है उनके पास। उन्होंने क्या किया, जन्म जन्म में महाजनता को सेवा किया। कैसे, सही आदमी को लेकर के उसी आदमी को जो कुछ काम कर सकते वही काम दे दिया। अगर उसी को इंजीनियरिंग काम कर पाएगा तो उसको इंजीनियरिंग काम दे दिया। आजकल जैसा घूस नहीं खाया उन्होंने जन्म जन्म में, जो व्यक्ति को जो कुछ काम करना कर सकता है उसी को वो काम दे दिया, सही आदमी को सही काम दे दिया। उसी के कारण उनको मिला निग्रोध परिमंडलो, जितना ऊंचा शरीर है उतना ही मोटा है, जितना मोटा है उतना ऊंचा है। उन्होंने 6 फीट लंबा है लेकिन उतना प्रकार से शरीर है, ज्यादा मोटा नहीं। थितको व अनोन मन तो हो भोती पानी तले ही जानुकानी परिमसित परिमाजती। उनको खड़ा होते हुए, खड़ा होकर के बिना झुके हुए घुटनी चू सकता है, ऐसा थोड़ा लंबा हाथ मिल जाता है। ऐसे होने के बाद बुद्धो समानो किंग लभती, उनको क्या मिल जाता है, आढ्य बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। कौन सा चीज से धनवान बन जाता है, उन्होंने धन, धन से उनका जीवन भर जाता है। कौन सा धन से, श्रद्धा धनं, शील धनं, हीर धनं, और तप धनं, सुत धनं, चाग धनं, पंजा धनं। वो क्या है धन, श्रद्धा की धन, शील की धन, पाप से डरने वाले धन, पाप से शर्म आने वाले धन, तथा धर्म ज्ञान की धन, सब कुछ त्याग करने का धन, प्रज्ञा की धन। ये धन मिल जाता है, कैसा सुंदर जीवन है। 17वां एवं 19वां का दो कारण उनको मिला। उन्होंने पिछले जन्म जन्मों में दूसरों को कल्याण के लिए बहुत उपकार किए थे, दूसरों का कल्याण के लिए बहुत सेवा किए थे। वो क्या है, सोचते थे अरे इन लोग श्रद्धा से, श्रद्धावान हो गया तो कितना अच्छा है, भगवान बुद्ध प्रति प्रसन्न हो गया तो कितना अच्छा है, ये लोग शीलवान हो गया तो पाप त्याग करके कितना अच्छा है, इन लोग के पास धर्म की ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, इन लोग भी दान देने वाले बन गया तो, त्यागने वाले बन गया तो बहुत अच्छा है, इन लोग भी प्रज्ञावान हो गया तो कितना अच्छा है, इन लोग धन संपत्ति से बढ़ गया तो बहुत अच्छा है, इन लोग खेती
खेती वगैरह करके गाय वगैरह पाल पोस के बाल बच्चे को पढ़ा उड़ा के अपना परिवार के साथ आगे बढ़ गया तो कितना अच्छा है, ऐसे सोच के बहुत सारे लोगों को इसके लिए मदद किए थे। इसके कारण उनको तीन कारण मिला, चितांतरांशु उनके पीठ भरा हुआ है, जगह जगह पे छेद नहीं, हड्डी नहीं दिखता है, लेकिन ज्यादा मोटा भी नहीं। समवत्ता खंदो उनका गला समान है, समान मतलब जगह जगह पे मांस ऊंचा दिखता है, हड्डी दिखता है, ऐसा नहीं। सिंह पुबद्ध कायो यानी कि शेर का छाती जैसा उनका छाती भरा हुआ है, यानी कि शेर सामने से देखने से कैसे लगता है, बहुत तेज दिखता है ना, कोई भी देख ले तो तुरंत डर जाता है, बहुत सारे लोग इज्जत करता है, वैसा है भगवान बुद्ध देखने के बाद। भगवान बुद्ध से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, लड़ने के लिए मतलब बात करके हराने के लिए, भगवान बुद्ध देखने के बाद सभी लोग उनका वश में आ जाता है। ऐसे तीन कारण मिलने के बाद, तीन गुण मिलने के बाद क्या होता है, उनका जीवन में श्रद्धा शील धर्म की ज्ञान त्याग प्रज्ञा ये सब मिल जाते हैं, कभी उन ये धर्म से उन्होंने पतन नहीं होता है। मृत्यु दम तक तथागत भगवान बुद्ध पतन कभी नहीं होता एक बुंदा से, कितना उनका ज्ञान गहरी है। उन्होंने एक दिन बताया भगवान बुद्ध, उनका शरीर बहुत कमजोर होते हुए, इतना कमजोर बहुत ही कमजोर होते हुए पलंग पे रख के ले जाते समय चार शिष्य लोग आता है, बहुत चतुर बात करने में तेज विद्वान, चार शिष्य आकर के दिन रात 100 साल तक प्रश्न पूछता है। भगवान बुद्ध ने बताया 100 साल तक जो प्रश्न पूछता है, बीमार होते हुए पलंग पे रह गया तब भी बिना कष्ट से बिना थकावट से आराम से जवाब दे सकता है, अपरिहानी, कभी पतन नहीं होता है भगवान बुद्ध, उन्होंने कभी नहीं थकता है। नॉर्मली लोग देखिए जो PhD करता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वे लोग पढ़ा बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़ जाता है, बढ़ के बूढ़ा होने के बाद धीरे धीरे होश उड़ता है, कोई याद नहीं, कोई कोई लोग पेखाना करता है, पेशाब करता है पलंग पे बूढ़ा बूढ़ी होते हुए, लेकिन डॉक्टर थे पहले, PhD किए थे, नेताजी थे, महामंत्री थे, ऐसा होते उन लोग पतन हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग के पास अपरिहानि धर्म नहीं है, श्रद्धा नहीं, शीलवान नहीं, तथा भगवान बुद्ध ज्ञान नहीं जानते हैं, त्याग नहीं करता है, प्रज्ञा भी नहीं है, ऐसे हैं। तो भगवान बुद्ध ये धर्म के धर्म उनको मिला क्योंकि बहुत सारे लोगों को उपकार किया, मदद किया इस जन्म अगला जन्म का कल्याण के लिए। इसके बाद 20वां कारण उनको मिला, और एक सुंदर कारण, उन्होंने पिछले जन्म जन्म में कभी भी किसी को मारा नहीं, हाथ से मारा नहीं, पत्थर से नहीं, डांटा से भी कभी नहीं मारा, औजार से भी नहीं, किसी को हिंसा नहीं किया, किसी को पीड़ा नहीं दिया। ऐसे होने के बाद उनको क्या मिला, रसग्गसग्गी, उनका गर्दन के अंदर है नस, जो कुछ भोजन करेगा तब भी अच्छा से स्वाद मिलता है, तीता खाया तब भी स्वाद मिलता है, अच्छा स्वाद, दिव्य भोजन जैसा, तथा जो कुछ भोजन करता है वो सब कुछ पचने वाले नस उनका शरीर में है। अभी भी ऐसा है ना, कोई कोई लोग तीता खाना भी खुशी मन से खाते हैं, कोई कोई लोग जो कुछ खाता है आराम से पच जाता है, एक हर एक आदमी को अलग अलग सुविधा है। इसी प्रकार कोई कोई लोग पिछले जन्म जन्म में कुछ कुछ पुण्य किया है, बहुत नहीं, उसी प्रकार
ये सब कुछ मिला होगा, आपके पास भी कभी कभी ये सब कुछ होता होगा। ऐसे दूसरों की हिंसा नहीं करने के कारण उनको मिला रश नहर, उसमें से उनको कभी भी तीता उत्ता कुछ नहीं लगता है तथा पच जाता है। ये रस नहर मिलने के कारण उनको क्या मिलता है, अप्पा बाधो, बीमार कम हो जाता है, अप्पा तंको, शारीरिक दुख कम हो जाता है। समवे पाकिनिया गहनिया समन्नागतो नाति सीताय नाचुन है, उनका शरीर में अधिक ठंडा नहीं उत्पन्न होता है, अधिक गर्म भी नहीं उत्पन्न होता है। जो कुछ भी भोजन करता है वो सब कुछ पच जाते हैं, जो कुछ उनको भी भोजन कर सकता है। इसके बाद उनको मिला दो कारण, 21वां तथा 22वां, नील रंग का आंख तथा छोटा बचड़ा का आंख जैसा बड़ा आंख, अभिनील नेत्रोच होती, बहुत गहरी नील रंग का नेत्र, गोप कुमो, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन बछड़ा का आंख कैसा है, वैसा सुंदर आंख। ऐसा होने के लिए उन्होंने संसार में जन्म जन्म में क्या पुण्य किए, कभी भी आग ठेरा करके गुस्सा से नहीं देखा तथा भाव झुका के गुस्सा मन से दूसरों को नहीं देखा तथा चेहरा को ठेड़ा करके गुस्सा मन से दूसरों को नहीं देखा। उजु, सीधा दूसरों को देखा है, प्रिय चाखुना, अपना दुश्मन को भी देखा है प्रिय मन से, प्रिय आंख से। कभी उन्होंने अपना आंख ठेड़ा करके भाव झुका के शरीर ठेड़ा करके दूसरों को नहीं देखे हैं, प्रसन्न मन से ही दूसरों को देखे हैं। ऐसा सुंदर नेत्र आंख मिलने का कारण यही है, क्या है, आंख खुल के देखता है, प्रसन्न मन से देखता है, ठेरा करके नहीं। ऐसे होने के बाद उनको क्या मिलता है, बहुत सुंदर सुख मिलता है। एक दिन एक ब्राह्मण ने बताया बहुत आश्चर्य की बात, उन्होंने बताया मैं बहुत सालों तक तथागत भगवान बुद्ध के साथ हूँ, फिर भी हम कभी नहीं देखे उन्होंने आँख टेढ़ा करके किसी को देखता है, भाव झुका के किसी को देखता है, कभी हम नहीं देखे। ऐसा होने के बाद बुद्धो समानो किं लभति, भगवान बुद्ध होने के बाद क्या मिलता है, बहुनो जनस्य प्रियो होती, बहुत सारे लोगों को प्रिय प्रेमी बनता है, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका आसुर राक्षस नाग गांधर्व देवता ब्रह्म मानव सभी लोगों को प्रिय प्रेमी बन जाता है भगवान बुद्ध। एक बार एक बांते जी थे वाक्कली नाम के, वो बांते जी हमेशा भगवान बुद्ध को देखते रहे थे, ये इतना ही सुंदर कारण देखते समय कौन नहीं देखते रहेगा, कभी मेन टेम्पल का मूर्ति देख के दूसरा दूसरा जगह का मूर्ति देख के भगवान बुद्ध को मिल नहीं सकता है, क्यों, उनको मूर्ति से ये कारण निकलता है क्या, नहीं, ये कुछ भी कारण मूर्ति से नहीं निकलता है। इसके बाद उनको मिला है 23वां कारण, वो कैसे मिला, बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं सीलवान होने के लिए, सील सुरक्षा करने के लिए, गुण धर्म बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं जन्म जन्म में, इसलिए उनको मिला उन्हीं से शीर्षो होती, उनका सिर थोड़ा ऊंच है। ऐसे होने के बाद क्या मिलता है, बुद्धो समानो किं लभति, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध की मार्ग पे जाते हैं। आज भी देखिए अमेरिका, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, हर एक देश में, इंडिया में भी भगवान बुद्ध के रास्ता पे बहुत सारे लोग जाते हैं। इंडिया में उस समय 98% भगवान बुद्ध के रास्ता पे गए थे, अभी नहीं होने का कारण क्या है, अभी भारत के सभी लोग सोचते हैं ये भगवान बुद्ध की धर्म
हिंद मुस्लिम सिख ईसाई जैन जैसा और एक धर्म है। ऐसा समझ करके लोग सोचता है हम लोग हिंदू हैं, हम लोग को अपना धर्म है, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग को अपना धर्म है। ऐसा करके उन लोग ये भगवान बुद्ध की रास्ता को और एक धर्म बना दिया। कैसे भगवान बुद्ध ज्ञान मिलेगा दूसरों को? नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध जन्म लेने लेकर के ज्ञान प्राप्त करके धर्म बताते समय एक भी बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान लोग थे। उन लोग को ये रास्ता बताने के बाद तुरंत समझ में आ गया। आजकल लोगों को भगवान बुद्ध की रास्ता सही ढंग से बताया तो तुरंत समझ में आएगा, सभी लोग भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाएगा, सभी लोग सुख संपत्ति को प्राप्त करेंगे। इसके बाद उनको दो कारण मिला, 24वां एवं 25वां कारण। उन्होंने जन्म जन्म में कभी भी मुसावादम पहाया, झूठ नहीं बोले हैं। मुसावादा पटिविरतो होती, झूठ बोलने से उन्होंने मुक्त हो गया। सच संध हो, सत्य ही बोल दिया हमेशा। एक शब्द दूसरा शब्द से अच्छा से बना के बोल दिया, कभी झूठ नहीं। देखिए आजकल लोग कहता है बिना झूठ बोल के जीवन बिता कैसे बिता पाएगा, ऐसे बोल के अपना बचावत के लिए कारण बना देता है, मूर्ख लोग। इसके बाद अंत में पछताते पछताते मर जाता है। अपना दूसरों को बता देगा ये झूठ बोलना जरूरत है, अच्छा है, लेकिन उसका दिल जानता है हम गलत करते हैं, फिर मरते समय सारे गलती याद करके मर जाते हैं, कभी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध कभी जन्म जन्म में झूठ नहीं बोले हैं, सत्य ही बताए हैं। किसी का कल्याण के लिए भी झूठ नहीं बोले, इतना ही उन्होंने सत्य सुरक्षा किया। ऐसे होने के बाद उनको क्या मिलता है? एक एक लोमोच होती उन्नाच भमकांतरे जाता होती ओ दाता मुदतुर सन्निभा। एक जगह पे सिर्फ एक रोम है, हम लोग का हाथ पैर जैसा नहीं, उनका हाथ पैर में एक जगह पे सिर्फ एक रोम है, तथा ललाट के बीच में ऊर्ण धातु है, उनका ऊर्ण रोम है, उजला रंग का रुई जैसा दक्षिण साइड में घुमा हुआ रोम मिल जाता है। ये मिलने के बाद उनको क्या प्राप्त होता है? भगवान बुद्ध जो कुछ उपदेश देता है वो सारे उपदेश भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका सारे लोग विश्वास करता है। भगवान बुद्ध की बात हटाता नहीं है, सभी लोग भगवान बुद्ध की बात को विश्वास करते हैं। आजकल भी देखिए सारे साइंटिस्टिक लोग, सारे विद्वान लोग, सारे पढ़ाई लिखे लोग, प्रोफेसर लोग सब जानते हैं भगवान बुद्ध की बात सत्य है। विदेशी लोग भी जानते हैं भगवान बुद्ध की बात सत्य है। एक बात मैं आपको बता दूंगा, अमेरिका जैसा अंग्रेजी लोग भगवान बुद्ध की रास्ता मानते हैं, लेकिन एशिया के लोगों पर अंग्रेजी लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि एशिया के लोग थर्ड क्लास का है, थर्ड क्लास का है मतलब थोड़ा नीच है, ऐसे समझते हैं वे लोग। इसीलिए वे लोग सोचते हैं भगवान बुद्ध भी एशिया के हैं, ऐसे सोचता है। फिर भी उन लोग छुपे छुपे भगवान बुद्ध के धर्म पर जाते हैं। भारत में भी वैसे ही है, जो विद्वान है, जो विद्वान मतलब प्रिंसिपल टीचर नहीं, विद्वान मतलब प्रिंसिपल टीचर विद्वान हो सकता है, जो बहुत कुछ जानकारी है, हिस्ट्री पढ़े हैं, बहुत जानकारी उनके पास है, बहुत चीज सीखे हैं, वे लोगों को भगवान बुद्ध की बात हटा नहीं सकता है। उन लोग सब विश्वास करते हैं, बाकी सब आराम से हटा देगा। ऐसा बात विश्वास करने का कारण क्या है? भगवान बुद्ध कभी जन्म जन्म में झूठ नहीं बोले, सत्य ही बोले हैं। इसके बाद उनको मिला 26वां एवं 27वां दो कारण। उन्होंने जन्म जन्म में कभी चुगली नहीं किया, इतो सुत्वान अमूत्रा खाता अमूत्र वासुत्वान इमे संगा खाता अमु संवेदाय। इधर से सुन करके और एक जगह पे
जा करके चुगरी नहीं करता है उन लोग अलग करवाने के लिए, लड़वाने के लिए, उधर से सुनकर के इधर आके नहीं बोलता है दूसरों को लड़वाने के लिए, कभी चुगली नहीं किए। इसके बाद उनको मिला दो कारण, 44 दंतोच होती अविरल दंतोच, क्या है उनको नीचे 20 दांत ऊपर 20 दांत, 40 दांत उनको मिल गया, लेकिन सारे दांत के बीच में कोई छेद नहीं है। हम लोग को तो कुछ खाने के बाद अंदर घुसता है ना खाना, ऐसा नहीं, हर एक दांत दूसरा दांत के साथ अच्छा सेटिंग हो गया। ये मिलने के बाद क्या प्राप्त होता है, भगवान बुद्ध के परिवार है, वो परिवार किसी को अलग नहीं करा सकता है। वो कौन है, सोतापन्न लोग, सकदागामी लोग, अनागामी लोग, अरहत लोग, भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले लोग, कभी उसी रास्ता से हटा नहीं सकता। रास्ता पे जाने वाले लोग मतलब नाम पे जाने वाले लोग नहीं, उनका ज्ञान अपना के, उनका ज्ञान प्राप्त करके जाने वाले उनके शिष्य लोग उसी रास्ता से कभी नहीं हटा सकता है। इसके बाद और दो कारण उनको मिला, 28वां एवं 29वां। ये मिलने का कारण क्या है, भगवान बुद्ध कभी भी जन्म जन्म में कठोर शब्द नहीं बोले, कभी एक गार भी नहीं दिए, यासा वाचा नेला हमेशा अच्छा शब्द बोले हैं, कान सुखा सुनने में अच्छा अच्छा लगता है, वैसा शब्द बताए, दोष नहीं है, पेमनिया प्रेम उत्पन्न होता, प्रेम मतलब उसी शब्द में सभी लोग प्रसन्न करता है, हृदय अंगमा दिल टच करता है, ऐसा बात सुनने के बाद दिल खुश होता है, वैसा बोलता है, पोरी पोरी मतलब व्यक्त भाषा बोलता है, जैसे कि हिंदी बोलेगा तो उसमें अच्छा हिंदी शब्द इस्तेमाल करता है, मगही बोलेंगे तो मगही का अच्छा मगही शब्द इस्तेमाल करता है, खराब शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, बहुजनकांता बहुत सारे लोगों को प्रिय शब्द बोल दिया, बहुजन मनापा बहुत जनता लोगों को बहुत प्यार वाले शब्द बताया, उन्होंने ऐसा बात बोल दिया, और ज्ञान की बात हमेशा बोल दिया दूसरों को, कभी गारी उनका मुंह से कभी निकला तक नहीं। ऐसा होने के बाद उनको क्या मिला, बहुत जीव हो होती, बड़ा जीव मिल गया, उनका जीव थोड़ा बड़ा है, ब्रह्मा सरोच खरवी के बहानी, उनको मिला ब्रह्म जी के समान आवाज, खरवी के चिड़िया है उस वैसा प्रकार की आवाज उनको मिला है, उसी आवाज दूर तक फैल जाता है, लेकिन इधर जो है वो सुनता है, और उसी प्रकार से है दूर रहने वाला भी वही शब्द सुनता है, ऐसा सुंदर मधुर आवाज उनको मिला, बुद्धो समानो किंग लभती, ऐसे होने के बाद भगवान बुद्ध को क्या मिलता है, आदेय वाचो होती, उनकी शब्द को मानते हैं, कौन, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका देवता ब्रह्म मानव असुर राक्षस नाग गांधर्व, ये सभी लोग भगवान बुद्ध की शब्द को मानते हैं, भगवान बुद्ध की वाणी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके उन लोग अपनाते हैं, देखिए कितना महान है। इसके बाद 30वां कारण उनको मिला, उन्होंने जन्म जन्म में अल्तू फालतू बात नहीं किए थे, उन्होंने जन्म जन्म में कभी भी अल्तू फालतू बात नहीं किए हैं, इसके कारण उनको मिला मजबूत झबड़ा। आप लोग भी ये सब कुछ प्रयास करिए, उन्होंने कालवादी जिस समय में जो कुछ बात बोलना है सिर्फ उसी समय बोल देता है, भूतवादी सिर्फ सत्य हमेशा बताए हैं, अत्वादी अर्थ ज्ञान की बात ही बताए हैं, धम्मवादी सिर्फ धर्म ही बात किए हैं, विनयवादी अनुशासन की बात ही किए हैं, निधानोतिंगवाचम भाषिता ऐसा बात बोलते हैं कि वो बात
याद करके रखने के लिए अच्छा लगता है, बहुत समय तक कल्याण होता है। ऐसा बात उन्होंने जन्म जन्म में किया, अलतू फालतू बात नहीं, व्यर्थ बात नहीं। इसके कारण उनको मिला है शेर का जैसा मजबूत जबड़ा। ये मिलने के बाद क्या होता है, कोई भी कारण से उनको ठग लूट नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता, किसी भी कारण पे उनका मन गंदा नहीं कर सकता है। उस समय भगवान बुद्ध को बहुत नाराज लोग भी थे, दूसरा धर्म के रहने वाले। एक बार भगवान बुद्ध बताए हैं, सुगंध आम की पेड़ के नीचे मैं प्रातिहार दिखाऊंगा। निगंट लोग क्या किया, महावीर के लोग उत्तर प्रदेश का सारे आम का पेड़ उखाड़ दिया। छोटा मोटा चीज है क्या, बहुत बलवान थे वे लोग भी, है ना। उत्तर प्रदेश का 7 करोड़ का जनसंख्या थे सिर्फ श्रावस्ती में, हर जगह में आम का पेड़ काट दिया, उखाड़ दिया। भगवान बुद्ध उस जगह से पिंडपात में जा रहे थे, जाते समय कोसल राजा का आम का बगीचे में एक आम मिल गया पका हुआ। तो वो बगीचा देखने वाला आदमी वो राजा को ला के दे दिया। राजा ने क्या किया, वो आम का फल भगवान बुद्ध को पूजा किया। भगवान बुद्ध वो आम का फल लेके भोजन में खा के इसके बाद जमीन में डाल दिया, डाल के उसी बीज पर हाथ धो लिया। धोने के बाद क्या हुआ, आम का बीज से पौधा निकल गया, देख देख के बहुत बड़ा आम का पेड़ बन गया। उसी पेड़ के नीचे महाप्रातिहारी दिखाया। महाप्रातिहारी मतलब उनका बाल है शरीर का, रोम है पूरा शरीर में छोटा छोटा, एक रोम से पानी निकलता है, दूसरा रोम से आग निकलता है। ऐसा दो गो रिद्धि सिद्धि सिर्फ एक आदमी को दिखा सकता है, सिर्फ भगवान बुद्ध को, ना ही ब्रह्म ना ही देवता ना ही ईश्वर, किसी को नहीं दिखा सकता है। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास अंतिम दो कारण मिला, 31वां एवं 32वां कारण। ये मिलने के लिए उन्होंने क्या किया, जन्म जन्म में मिथ्या आजीव को दूर किया। मिथ्या आजीव क्या है, डांडी मारना, दूसरों से लूटना, ठगना, झूठ बोल के दूसरों से कमाना, औजार बेचना, लड़की लोग बेचना, जहर बेचना, मांस बेचना, ये कुछ भी काम नहीं किया। धार्मिक जीवन बिताया, झूठ बोल के दूसरों से झूठ मूठ नहीं ठग लिया। इसलिए उनको मिला समदांत सुसुक दांत, दो कारण। समदांत मतलब समान दांत, सारे दांत समान हैं, तथा सुसुक दांत उजला दांत मिला है। ऐसे है तो उनको मिला क्या है, समान दांत तथा उजला दांत, इतना उजला है उन्होंने मुस्कुराते समय दांत से रोशनी निकलता है, निकल के सिर से 3 बार प्रदक्षिणा करके चन हो जाता है, इतना ही उजला दांत। ऐसा मिलने के बाद उनको क्या मिलता है, बहुत परिवार मिल जाता है, बहुत सेना मिल जाता है उनका बात को विश्वास करने वाले। आप देखिए ये कारण भगवान, ये 32 कारण आप सुने हैं, ये 32 कारण भगवान बुद्ध को कैसे मिला, पुराना पुण्य से मिला है, मंत्र पढ़ने से नहीं मिला, डिप्स करने से नहीं मिला, पूजा करने से नहीं मिला। अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है भगवान बुद्ध बनना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बुद्ध बनना चाहिए तो यही करना चाहिए, बुद्ध बनना चाहिए तो ये काम करना चाहिए। देखिए उन्होंने जन्म जन्म में कभी क्रोध किया है, एक बूंदा क्रोध नहीं किया,
थोड़ा भी कुछ नहीं किया। अभी दिखाई देता है संसार में बहुत सारे लोग बुद्ध बनने की मेहनत करता है, झूठ मूठ का फालतू मेहनत किसी को नहीं कर सकता है। कर पाएगा तो एक महापुरुष, कोई महापुरुष है उन्हीं को कर सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से। इसीलिए आप देखिए, कोई देवता, देवराज, ब्रह्म जी बनना आसान है, पुण्य करना है, सेवा करना है, बन सकता है, लेकिन ऐसा पुण्य करके भगवान बुद्ध की जगह पे नहीं आ सकता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। यही है पारमिता। ये जो हम लोग 32 कारण मिलने के लिए भगवान बुद्ध जो जो कुछ किया पिछले जन्म जन्म में, वो है पारमिता। और क्या है पारमिता? इसीलिए वही भगवान बुद्ध हम लोग शरण जाना चाहिए। वो भगवान बुद्ध असलियत में हमारे गुरु हैं, सारे देव मानव का गुरु हैं। इसलिए आप सभी लोग, हम सभी लोगों को उन भगवान बुद्ध की शरण में जा करके सभी दुख से मुक्ति होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।